नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका फिर एक बार स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा वर्ल्ड की जो 6 सबसे बड़ी इकोनॉमी पावर के बारे में। तो आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल ये सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर ले, इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेंगी। तो अगर आपको हम बात करें तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जो IMF वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक डाटाबेस अप्रैल 2018 में रिलीज हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये रिपोर्ट आपको मैं बता रहा हूँ, जिसमें कि आपको वर्ल्ड की सबसे 6 इकोनॉमी है उनके बारे में बता पड़ेगा। इसे को जो जज करने का तरीका क्या था, नॉमिनल GDP जो कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और करंट प्राइस उसका होता है US डॉलर में, उसके अकॉर्डिंग, और GDP बेस्ड ऑन PPP जिसमें आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बेस्ड ऑन परचेसिंग पावर पॉवर्टी, परचेसिंग पावर कितनी है, और वैल्यूएशन ऑफ कंट्री की GDP वो US डॉलर में, ये दोनों को इनको PPP को मिला के, और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पर कैपिटा उसका जो करंट प्राइस US डॉलर में कितना है, इस इनके अकॉर्डिंग में इन ये जो कुछ बेस रखे गए थे जिनके अनुसार बताया गया था कि वर्ल्ड की जो है पावर्स कौन कौन सी। अब मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड की 67% जो इकोनॉमी है वो कुछ लोगों के हाथ में है, मतलब बाकी के हाथ में इतनी जो इकोनॉमी है वो कुछ स्टेट्स जो है 20 स्टेट्स के हाथ में है 67%, बाकी के जो रेस्ट है वो देख लीजिए किस किस हाथ में है। अगर इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे तो नंबर 1 पे जैसे आपको सबको अंदाजा हो ही गया होगा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, अमेरिका की जो यूएस है, यूएस की जो है नॉमिनल GDP उसकी जो है 19.39 ट्रिलियन, ये डॉलर में पूरी बता रहा हूँ, इतनी इनकी GDP है, और इनकी जो है GDP PPP के अनुसार अगर 99.39 उनकी उसी के मतलब बराबर है, उनका मतलब परचेसिंग पावर बहुत ज्यादा है। आपको बता देना चाहता हूँ कि इस पोजीशन में अभी तक 1871 से लेकर मतलब ये जो साइज है इनका अभी तक चला आ रहा है। तो आप सोच लो कि मतलब US बहुत ही बड़ा, बहुत ही बम्पर इसके पास पावर है, और ये पूरे वर्ल्ड का जो होल्ड करता है, मैं आपको बताऊंगा बाद में कितना परसेंटेज होल्ड करता है वो भी आपको बता दूंगा। मैं आपको जल्दी जल्दी बता चलता हूँ, इसके नंबर दूसरे पे आता है क्योंकि वीडियो फिर लंबा हो जाएगा। चाइना की जो GDP है वो 12.01 ट्रिलियन है, और PPP इनकी है GDP वो है 23.15 ट्रिलियन के। तो अगर आप इसका कंपेयर करेंगे तो 23 इनकी जो PPP है वो यूएस से ज्यादा है। इसी के साथ में अगर नंबर 3 पे बात करेंगे तो आप लोगों का अंदाजा लगा लिया होगा, तो वो है जापान। जापान की जो कि GDP है वो 4.87 ट्रिलियन डॉलर है, और इनकी PPP है वो 5.42 ट्रिलियन डॉलर है। तो अभी आपको बता देता हूँ, अभी नंबर 4 पे आता है जर्मनी। जर्मनी की जो GDP है वो 3.68 ट्रिलियन है, उसी की तरीके से इनकी जो PPP है 4.17 ट्रिलियन के आसपास बैठती है। अब अगर 5वें नंबर पे बताता हूँ तो 5वें नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम, जिसको आप ब्रिटेन भी बोल सकते हैं, वैसे तो UK ही बोला जाता है क्योंकि ये तो एक यूनाइटेड है, 5 स्टेट का इकट्ठा है। तो UK की अगर बात करें तो ये 2.62 ट्रिलियन के साथ में ये नंबर 5 पे आता है। इसकी जो PPP पावर है वो है 2.91 ट्रिलियन के हिसाब से। आपको बता देता हूँ कि अब जो नेक्स्ट आता है तो आपको थोड़े के ये सोचना पड़ेगा वो कौन सी कंट्री होगी जो नंबर 6 पे आती है। मैं इसमें 10 लेना चाहता था पर मैं आपको 6 ले रहा हूँ, तो ठीक है मैं आपको और 4 बता दूंगा। तो नंबर 6वें पे आता है, आपको गर्व होगा, वो है इंडिया। इंडिया की जो है बहुत ही कम, इंडिया की और यूनाइटेड किंगडम की जो GDP में बहुत ही कम अंतर है, 0.01 ट्रिलियन के हिसाब से अंतर है। इंडिया की जो है 2.61 ट्रिलियन है, जबकि यूके की है 2.62 ट्रिलियन के हिसाब से। तो आप सोच सकते बहुत कम है, और जबकि अगर हम PPP की बात करें तो GDP अगर PPP के हिसाब से तो भारत के जो है वो बहुत ज्यादा है उससे, यूके से भारत की, यूके की है 2.91 और इंडिया की है 9.45 ट्रिलियन। तो आप सोच सकते कि अगर इस बेस पे अगर लिया जाता PPP के बेस पे तो इंडिया यूके से आगे जाता। वैसे भी मुझे लगता है कि इंडिया की और यूके की पावर में बहुत ज्यादा अंतर होने वाला है नहीं। अब इसके अगर बात करते हैं तो इसके बाद आता है फ्रांस, उसके बाद ब्राजील आता है, उसके बाद इटली आता है, और इटली के बाद कनाडा आता है, कनाडा के बाद साउथ कोरिया की है, साउथ कोरिया के बाद रसिया जो है 12वें नंबर पे, ऑस्ट्रेलिया 13वें नंबर पे है, स्पेन 14वें नंबर पे पड़ता है, और मेक्सिको 15वें नंबर पे, इंडोनेशिया की आपकी GDP इसकी भी काफी मजबूत 16वें नंबर पे है, टर्की की 17वें नंबर पे, नीदरलैंड
18वें 19वें नंबर पर सऊदी अरेबिया और 20वें नंबर पर आता है स्विट्जरलैंड। तो आप सोच सकते हैं इसे अगर 20 की हम लिस्ट की बात कर लेते हैं तो कितना मतलब अंतर आ जाता है। अब जीडीपी की जो अब हम बात कर रहे हैं जो क्या मतलब किस तरीके से, तो इसको अगर मैं आप दूसरे तरीके से आपको बात करूं तो शेयर जो परसेंटेज कितना है, तो शेयर परसेंटेज में अगर बात करें तो टोटल जो वर्ल्ड की इकोनॉमी है उसमें 24.28% तो यूएस का है और यूएस इतनी पावर रखता है। उसके बाद चाइना का पड़ता है 15.04% का, चाइना का पावर चाइना के पास इकोनॉमी है इसका। जापान 6.1% के हिसाब से, जर्मनी का आता है 4.61% और इसके बाद यूके का आता है 3.29 और इंडिया का अगर इससे बात करें 3.27, तो 29 और 27 बहुत ही माइनर अंतर है। इसी तरीके से फ्रांस का 3.23 है, इसका भी बहुत कम अंतर है। ब्राजील का 2.57 और इटली का है 2.43% इनकी गेन करते हैं पूरे उसमें वर्ल्ड में, और कनाडा की बात करें तो 2.07%। अगर रेस्ट हम 10 से 20 के बीच की बात करें, जो 10वें नंबर से 20वें नंबर के बीच की इकोनॉमी है वो टोटल जो होल्ड करती है वो 13.72% का होल्ड करती है इकोनॉमी, और जो रेस्ट है वो आपका अगर बात करते हो रेस्ट वर्ल्ड जो है 19.39, मतलब कि वो यूएसए की इकोनॉमी 172 जो देश हैं बाकी बचे हुए तो उससे ज्यादा पावर यूएस के पास में है। मतलब यूएस की इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है कि वो 172 से ज्यादा पड़ जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि कितना पावरफुल इकोनॉमी यूएस की है, इसीलिए यूएस से टकराना इजी काम नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको इतनी बताना चाहता था किसकी कितनी है। आशा करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी और आपको वर्ल्ड के 6वें नंबर की इकोनॉमी होने पर थोड़ा गर्व भी आया होगा, और कोशिश होगी हमारी कि अगले 2 से 3 साल में अगर मोदी जी और रह जाते हैं तो हो सकता है कि हम 5वें या 4थे नंबर पर ही पहुंच जाएं, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी नोट के साथ इस वीडियो करता हूँ वाइंड अप। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।